हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी बम्पर भर्ती 2020-21 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन फार्माकोपियो कमीशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट है ड्राइवर, लैब अटेंडेंट एंड अदर्स, जिनके लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम 8वीं पास या डिग्री या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इन पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ीस, सैलरी पैकेज, और जानना होगा आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती इंडियन फार्माकोपियो कमीशन के अंतर्गत निकली है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है, अप्लाई करने के लिए क्या एज लिमिट का होना जरूरी है। मार्केटिंग असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। लेवल 7 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसीज है। मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 9 वैकेंसीज है। 27 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। ड्राइवर के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी प्रोवाइड करा रखी है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अप्लाई करने के लिए मार्केटिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत होना जरूरी है या फिर बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा का होना जरूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होना जरूरी है। इस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलने वाली है 44,900 से 1,42,400 रुपये पर मंथ। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए सैलरी मिलने वाली है 35,400 से 1,12,400 रुपये पर मंथ। अप्लाई करने के लिए एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है, साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए सैलरी आपको मिलने वाली है 29,200 से 92,300 रुपये। अप्लाई करने के लिए एजुकेशन में डिग्री, साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस और कंप्यूटर ऑपरेशन विद प्रोफेंसी इन MS में होना जरूरी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 18,000 से 56,900 रुपये सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा फार्मेसी के अंतर्गत और साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन की गुड नॉलेज का होना जरूरी है। ड्राइवर पोस्ट के लिए 19,900 से 30,200 रुपये सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम 8वीं पास, साथ ही साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल का होना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एज लिमिट की डिटेल भी प्रोवाइड करा रखी है। एज लिमिट की डिटेल भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, आपका सिलेक्शन बिना किसी रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। बात आती है कि आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और फिर फिलअप कर सकते हो। फिलअप करने के बाद आपको उसके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है ऑफिशियल एड्रेस पर। ऑफिशियल एड्रेस है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर IC इंडियन फार्माकोपियो कमीशन सेक्टर 23 राजनगर गाजियाबाद 201002 विद इन 45 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ
दिस एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट को इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को छपने के बाद 45 दिन के अंतर्गत आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। दोस्तों ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ipc.gov.in, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और इस भर्ती के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।